अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज हम हाजिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हमको दिखाने वाले हैं हल्दी के ड्रेसेस। देखिए हमारा पहला ड्रेस है, तो पर इसको ऑल ओवर लुक देख लीजिए, फिर हम आपको इसकी डिटेलिंग बताएंगे। तो बहुत प्यारे सारे नॉर्मली हल्दी के इसमें हम ड्रेस दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये हमारी फ्रॉक है, इसका नेक बिल्कुल सिंपल, देखिए अंगरखा स्टाइल है। ये है, आपको लग रहा होगा कि अंगरखा स्टाइल कट है, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ लेस को लगा के और साइड में ये नॉट वाला कपड़े की मतलब एक स्ट्रिंग लगा दी, उसमें भी हमें ट्रेसेस लगाने हैं। और स्लीव्स देखिए कितनी प्यारी है, तो यहाँ पे लेस लगा के नीचे हमने इलास्टिक लगाई, उससे बीच में चुन डाली जिससे ये वाली स्लीव्स बन गई हैं। और नीचे देखिए, नीचे हमने वही येल्लो लेस लगा, जिसमें कोई हमने बहुत हैवी लेस नहीं लगाई, एक सिंपल सी येल्लो लेस लगा दी है। तो हमने पूरे इसके घेरे में लगा दी वो लेस। ये चुन वाली फ्रॉक है बॉडी वाली, देखें इसका बैक देख लें आप। ये असल में इसका फैब्रिक है, वो जॉर्जेट का जो फैब्रिक होता है वो है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। बहुत इस पर इस फैब्रिक में फ्रॉक और गरारे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने फ्रॉक और गरारा बनाई। ये देख लीजिए इसका गरारा है, ये चुन वाला गरारा है। यहाँ पे भी लेस लगा दी, उसी तरह हमने नीचे भी लेस लगा दी है। तो देखें सबको पसंद आ रही हो, और इसमें इनर भी लगा था, और ये प्रिंट काफ़ी अच्छा है। तो अब चलते हैं अपने सेकंड ड्रेस की तरफ। तो ये हमारा सेकंड ड्रेस, ये ऑल ओवर येलो नहीं है, ये ऊपर का मतलब इसकी जो फ्रॉक है वो येलो है, और इसकी जो प्लाजो है वो वाइट कलर का है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब इसका थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और इसमें रेड से बेसिकली ज़्यादा डिटेलिंग हुई है। तो ये देखिए नहीं, इसमें पूरा पाइपिंग का काम है, पूरी फ्रॉक में पाइपिंग हुई है, और सिर्फ ये लेस लगी। देखें यहाँ नेक पर ये पाइपिंग हुई है, और इस पर हमने ट्रेसल वाली लेस लगा दी है, और ये जो सर्कल वाले रिंग होते हैं जिसमें मिरर लगा होता है वो लगा दिया। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये है बटरफ्लाई कट, यानी प्रिंसेस कट भी होता है, बटरफ्लाई कट भी होता है। यहाँ पे उसके साइड में फिर दोनों तरफ देखें चुन करके हमने फ्रॉक बैठाई, तो ऊपर से ये थोड़ा आगे का हिस्सा स्ट्रेट है, फिर साइड में चुन है, बैक भी सेम है, बीच में है भी प्रिंसेस कट, फिर साइड साइड में चुन डाली है। और देखें इसमें पूरा लेस का काम हुआ है, पीछे लेस नहीं लगी हुई है, देखें ये पीछे हमने लेस नहीं लगाई हुई है, लेस सिर्फ आगे लगी हुई है और स्लीव्स में। देखें ये इसका बिल्कुल पीछे प्लेन नेक है। और अब हम इसको दिखा देते हैं आपको आगे से भी। ये देखें इसकी स्लीव्स, ये स्लीव्स ज़रा अम्ब्रेला स्लीव्स हैं, थोड़ी अच्छी लगती हैं आजकल, अम्ब्रेला स्लीव काफ़ी इन भी है फैशन में। तो हमने ये देखें लेस लगाई, ये येलो लेस नहीं है इसमें, लेकिन रेड से डिज़ाइनिंग हुई तो फिर भी काफ़ी अच्छी लग रही थी इस पर, तो हमने ये लेस लगा दी है। देखिए आगे के घेरे में लगाई है और स्लीव्स में लगा दी है, पीछे नहीं लगी है जैसा कि पहले भी बताया था। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और ये जो फैब्रिक है इसमें ना ब्लू और रेड कलर की लाइंस है, इस वजह से ये लेस इसमें लगाई है, क्योंकि लेस में भी ब्लू और रेड कलर है। तो ये देखें ये इसका प्लाजो है, ये एक्चुअल में प्लाजो है, मगर इसका जो लुक है वो बिल्कुल गरारे की तरह है, क्योंकि ऊपर से देखें प्लेट्स डली हुई है। आप गौर से देखें तो ये चिकन का प्लाजो है, यहाँ देखते हैं, देखें यहाँ पर प्लेट्स डली हुई है, आपको दिख रहा हो कैमरे में तो समझ आ रहा होगा। ये देखें ये एक, देखें दो, ये तीन, ये देखें प्लेट सारी डली हुई, जिस वजह से गरारे का थोड़ा सा लुक आएगा, बिल्कुल वाइट है। इसका बैक दिखा देते हैं, बैक पे भी, बैक पे कोई प्लेट्स नहीं, बैक बिल्कुल सिंपल है, पीछे इलास्टिक लगी हुई, आगे इलास्टिक नहीं है, देखें। और इसके जो ये जो फैब्रिक है इसमें नीचे नीचे बॉर्डर पर डिज़ाइनिंग थी, तो ये प्लाजो बनने के लिए बहुत अच्छा था। ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस, ये पूरा ऑल ओवर येलो है, पर आप इसकी ऑल ओवर लुक देख लीजिए, फिर हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो ये इसकी कमीज़ है, कमीज़ का फैब्रिक ऑलरेडी ऐसा था, मतलब इसमें ऑलरेडी ये आप कह सकते प्रिंट था कि डिज़ाइन था गोटे टाइप का। उसकी नेक बिल्कुल सिंपल है, इसमें हमने ट्रेंगुलर वाली लेस लगा दी गोटे वाली, और ये देखें स्लीव्स हैं, स्लीव्स में यहाँ पर जोड़ आ रहा था तो हमने वहाँ पर गोटा पट्टी वाली लेस लगाई, और एंड्स में भी ट्रायंगुलर वाली, इसमें भी हमने लेस लगा दी है, और नीचे दामन में भी हमने वही ट्रायंगुलर वाली लेस लगाई। ज़्यादा कोई वैसी लेसेस नहीं लगाई, क्योंकि ऑलरेडी फैब्रिक इतना ज़्यादा हैवी था कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी लेस लगा दे तो अच्छा नहीं लगता। पैक बिल्कुल सेम है, देखें ये देखें बिल्कुल अच्छा फैब्रिक इसका बेस्ट है बहुत, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर गोटा लगाया गया मगर नहीं है। और अब इसके हम गरारा देख लेते हैं, तो इसके साथ हमने गरारा बनाया है।
गरारा बहुत प्यारा है क्योंकि इसमें फ्लेयर बहुत है। यहाँ देखें, यहाँ पे कितनी सारी चुन है और उसके जो चुन के ऊपर हमने ये ट्रायंगुलर वाली लेस लगाई है, यहाँ पे देखें कितना प्यारा लग रहा है। खुद आपको चुन देख के समझ आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा फ्लेयर होगा इसमें। तो देखें नीचे, यहाँ पे नीचे हमने एक बार हमने ये तीन बार गोटे वाली लेस लगाई है और एक दफ़ा ये ट्रायंगुलर वाली लेस लगाई है। आप और ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो आधे तक, मतलब आप इसमें ये सीधी वाली जो गोटा लेस होती है वो लगा सकते हैं, चार पांच बार लगा सकते हैं। हमने तीन बार लगाई है कि देखें ये दोनों तरफ आप देख लें कितना प्यारा लग रहा है। आप फ्लेयर चेक करें, इसका येलो कलर भी काफ़ी अच्छा है, हल्दी के लिए बहुत अच्छा ड्रेस है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये थी हमारी वीडियो, ये वीडियो थी हल्दी के ड्रेसेस पे। तो होप सबको वीडियो पसंद आई, होप अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और आपके फ्रेंड या फैमिली में जिसको भी डिज़ाइनिंग का शौक हो तो उसको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आप ये सब करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी वीडियो अच्छी बन रही है कि नहीं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।